करते हैं न्यूज रूम लाइव की बात। सबसे पहले करते हैं सूबे से जुड़ी हुई सियासी खबर की। दरअसल जयपुर से लेकर दिल्ली तक इस वक्त राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस के जो विधायक हैं वो जयपुर से निकलकर दिल्ली पहुंचे हैं और कहा जा रहा है कि प्रभारी अजय माकन के साथ में उनकी मुलाकात कई तरीके के सियासी समीकरण बुनने की तरफ इशारा करती है। जाहिर तौर पर राजनीतिक नियुक्तियां होनी है, कैबिनेट रिशफल में भी जगह किसको मिलेगी, कौन इन कौन आउट, इन तमाम चीजों पर लगातार चर्चाएं चल रही। और ऐसे में अगर तमाम विधायक पहुंच जाए दिल्ली तो आप समझिए कि क्या कुछ चीजें सियासी रूप से चल रही हैं। बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, पचपदरा विधायक मदन प्रजापत, शिव विधायक आमीन खान पहुंचे हैं फिरोज शाह रोड माकन के दफ्तर और अपने क्षेत्र के राजनीतिक मुद्दों से माकन से बात होगी, ये जरूर कहा जा रहा है। मनोहर विश्नोई जी मीडिया संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। मनोहर, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो इस बीच हमने कई ऐसे घटनाक्रम देखे हैं जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो सियासी रूप से घटनाक्रम सूबे के भीतर चल रहे हैं उसका ही रिपरकशन है जो दिल्ली में दिखाई पड़ता है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पिछले दिनों जो है कोरोना का असर कम हुआ उसके बाद से लगातार जो राजस्थान के कई नेता है वो दिल्ली के दौरा लगातार कर रहे हैं, दिल्ली में आ जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। आज आपको बता दें कि बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, पचपदरा विधायक मदन प्रजापत और शिव विधायक अमीन खान पहुंचे हैं अजय माकन से मुलाकात करने, और बताया जा रहा है कि वो अपने क्षेत्र और बाड़मेर से रिलेटेड इश्यूज है उसको लेकर के प्रदेश प्रभारी उनसे बातचीत करेंगे और आगामी जो मंत्रिमंडल फेरबदल और जो राजनीतिक नियुक्तियां होनी है उसमें किस तरीके से बाड़मेर का जो है प्रतिनिधित्व होना चाहिए और बाड़मेर के नेताओं को इस जगह मिलनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जो आगे जो एक्सरसाइज शुरू होने वाली है उसको लेकर अपनी अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर आला कमान के सामने और प्रदेश प्रभारी से मिलकर के सीनियर नेताओं से मिलकर के अपनी बात रख रहे हैं। जी चलो, बहुत शुक्रिया मनोहर आपको जानकारी के लिए।